चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला फ्रेजल वर्ड देख रहे हैं, ईट इंटू मतलब खोखला करना, एगोन मतलब कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना, एंड अप मतलब आखिरकार कर पाना, फॉल अपॉर्ड मतलब बिखर जाना, फॉल बैक ऑन में कठिनाई के समय किसी चीज़ का प्रयोग करना, फॉल फॉर मतलब आकर्षित होना, फॉल आउट विथ मतलब झगड़ा होना, फॉल अवे मतलब दोस्ती या संबंध तोड़ लेना, कदम वापस खींच लेना, फॉल इन विथ मतलब किसी से विचारों में सहमत होना, फॉलो मतलब कम होना, किसी चीज़ से नीचे गिर पड़ना, फॉलो मतलब कम होना, वर्ड अवेलेबल फॉलो मतलब किसी की जिम्मेदार होना, आक्रमण करना, किसी की जिम्मेदार होना, आक्रमण करना, फॉल ऑन, फॉलो ओवर मतलब ज़मीन पर गिरना, किसी काम को करने का पूरा प्रयास लगाना, फील वर्ड मतलब छू कर महसूस करना, फील लाइक मतलब किसी काम को करने का इच्छुक होना, फिगर आउट मतलब समझ पाना, फीस फॉर मतलब प्रयास करना, प्रशंसा आदि प्राप्त करने के लिए, फिजल आउट मतलब क्रमशः कमजोर पड़ना, घटना जो भी हो सकती है कमजोर पड़ गया, गेन ऑन मतलब प्रतियोगिता में नज़दीक होना, गेट अबाउट या अराउंड मतलब जगह जगह घूमकर लोगों से मिलना, गेट अलॉन्ग विथ मतलब दोस्ताना संबंध रखना, गेट अवे विथ मतलब कोई गलत काम करना और पकड़ाने से बचने जाना, गेट अवे मतलब छुट्टी पर जाना, गेट ऑफ मतलब काम से आधिकारिक अवकाश मिलना, गेट अवे मतलब किसी चीज़ के बिना जिंदा रहना, किसी स्थान से आगे गुजरना, गेट ऑन मतलब प्रगति करना, गेट ऑन विथ मतलब किसी काम को करना जारी रखना, गेट रेड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, गेट रेड प्रो राउंड ए प्रॉब्लम किसी समस्या से बचने के लिए क्या करना, रास्ता ढूंढना, गेट राउंड संबंध में किसी को कुछ करने के लिए मना लेना, गेट थ्रू विद मतलब किसी कार्य को पूरा करना, गिव अवे मतलब रहस्य उजागर कर देना, और गिव ऑफ मतलब धुआं गैस या गंध छोड़ना, वर्ड अवेलेबल गिव ऑफ मतलब प्रदान करना, गिव इन मतलब समर्पण कर देना, गिव अप मतलब त्याग देना, गिव वे मतलब ढह जाना और पीछे हटना, गो अबाउट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, गो अबाउट मतलब किसी काम को करना, गो अलॉन्ग विथ मतलब सहमत होना, गो अलॉन्ग मतलब टू कंटिन्यू मतलब प्रगति करना, जारी रखना, गो बैक ऑन मतलब बाधे से मुकर जाना, गो बाय मतलब नियमानुसार कार्य करना, गो डाउन इन हिस्ट्री मतलब इतिहास में नाम दर्ज करना, गो फॉर मतलब आक्रमण करना, और गो ऑफ मतलब विस्फोट होना, घटित होना, गो ऑन मतलब जारी रखना, गो थ्रू मतलब किसी दौर से गुजरना पड़ना, गो विद मतलब संग संग होना, मेल खाना, गो डाउन मतलब किसी खास रूप से जाना जाना, गो ओवर मतलब ध्यान से अवलोकन करना, कोई खास प्रतिक्रिया पैदा करना, हैमर और मतलब विचार विमर्श के बाद किसी सहमति पर पहुंचना, हियर और मतलब समाचार मिलना। तो आज के लिए इतना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।